मैं तो कहता हूँ कि गृह मंत्री साहब जो हैं वो खुद ही तड़ी पार थे, और वो तड़ी पार आदमी हमें ये बताएंगे कि संविधान किस तरीके से चलाया जाए, तो इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करने वाले नहीं। नमस्कार, आज है हम दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी तादाद में एक वकीलों का हजूम यहाँ पर पहुँचा है, जो कि NRC और CA को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। तो मेरे साथ में कुछ वकील साथी, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि सर NRC और CA को आप किस दृष्टि से और कैसे देख रहे हैं। देखिए, हमारा मानना है कि जो CA है एक काला कानून है, और ये काला कानून अननेसेसरी थोपा जा रहा है इस बेरोजगार जनता पर, जिसमें आज हमारी जनता धर्म को छोड़कर रोजगार की बात कर रही है, सस्ती शिक्षा की बात कर रही है। उस चीज़ को, मुद्दे को डाइवर्ट करते हुए ये काला कानून ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो सेंट्रल में बैठी गवर्नमेंट BJP की, अमित शाह और मोदी, ये इस तरीके से काम कर रहे हैं जो कि प्रोटेस्ट, खासतौर पर जो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, उस राइट को किस तरीके से डिमोलिश कर रही है पूरी प्लानिंग तरीके से, तो ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमें पता है कि ये जो लोग तंत्र की हत्या हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि हमें संविधान पर विश्वास है। हम लोगों ने संविधान की शपथ ली है, हम लोगों ने संविधान को पढ़ा है, और संविधान को किस तरीके से, गलत तरीके से परोसा जा रहा है, उस चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से भीड़ एक सड़कों पर आए, जामिया हो, JNU हो, अच्छा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उन पर लाठी चार्जेस किए जा रहे हैं, क्या ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को उनके सामने नहीं आना चाहिए उनके साथ? देखिए, बिल्कुल सामने आना चाहिए। हम लोग तमाम प्रोटेस्ट में और उनके साथ में हम सहयोग कर रहे हैं, जिन्हें इलीगली, मतलब उनको डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, CA के खिलाफ सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में 59 पिटीशन फाइल हो गई है, जिसमें कि 21 जनवरी के लिए रखा गया है। और ये एक विरोधी है हमारा कि ये जो संविधान की हत्या करी जा रही है, इसका हम विरोध करते हैं, और बिल्कुल गलत है। इसमें सीधी सीधी बात हमको दिखाई देती है, आर्टिकल 14 का वायलेशन दिखता है, आर्टिकल 15 का वायलेशन दिखता है, 19 का वायलेशन दिखता है, ये बिल्कुल हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। लेकिन लगातार शाहजी तो कह रहे हैं कि जो एक कानून है किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, एक व्यक्ति समुदाय के लिए, बल्कि पूरे भारत देश के जो लोग हैं उनके लिए, और ये सही कानून है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मेरा ये कहना है कि NRC की ज़रूरत थी आसाम को, आसाम के लोग वहाँ मानते थे कि NRC चाहिए, इसलिए चाहिए कि वहाँ के जो ट्राइबल्स लोग हैं उनको लगता था कि हमारा जो संस्कृति है ख़त्म हो जाएगी, खतरे में है, इसके लिए NRC की मांग की गई। अब देखिए NRC का खेल इन लोगों ने क्या किया, NRC में 16,000 करोड़ रुपये सरकार खर्च करती है, 4 साल लग जाते हैं बनाने में, 19 लाख लोगों की लिस्ट तैयार होती है, 19 लाख लोगों में से अब इन्हें पता लगता है कि 14 लाख जो लोग हैं नॉन मुस्लिम्स हैं, और नॉन मुस्लिम्स को अब इनकी राजनीति क्या है, इनकी राजनीति है धर्म की राजनीति, इनकी राजनीति है हिंदुत्व की राजनीति, अब इन्हें लगता है कि वो वोट बैंक उनका ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए वो सही साबित करने के लिए CA को उन्होंने इम्पोज किया। BJP और RSS लगातार सत्ता में आने से पहले कह रही थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इस देश के संविधान को सबसे पहले बदलने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये उसकी शुरुआत हो गई है। शुरुआत तो देखिए 14 से आई, और 14 के बाद तमाम हम देख रहे हैं कि संविधान को किस तरीके से ताके पर रखकर काम किया जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि ये BJP की सरकार है किस में इंटरेस्टेड है, नाम बदल लेना, नाम किसका बदल रही है, जो खासतौर पर मुस्लिम नाम है। और मैं बताना चाहता हूँ कि RSS का जो इतिहास रहा है, ये कभी स्वतंत्रता के आंदोलन में इन लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखता है, ठीक है, इन्होंने जबरदस्ती एक अपनी जबरन बताया, इन्होंने हाईजेक करा है, भगत सिंह को हाईजेक करने की बात करते हैं लोग, अंबेडकर को हाईजेक करने की बात करते हैं, लेकिन अंबेडकर को ही डिमोलिश कर रहे हैं, अंबेडकर के जो सोच, जैसा भारत सोचते थे उसको किस तरीके से ख़त्म कर रहे हैं, ये मुझे दिखता है। अब ये जो हम देख रहे हैं कि NRC है, NPR है और CA है, ये एक प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट के साथ साथ हमारी एक मांग भी मजबूती के साथ में, ये जो तरीका है ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक तरीके से किया जा रहा है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम जो है NRC और जो है CA को लेकर एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, क्या वकील जो है एडवोकेट जो है इतनी ताकत रखते हैं, इतना मानता रखते हैं कि सरकार को जो 56 इंच से भी जो है पीछे उठा कर फेंक सकते हैं? देखिए सर, मेरा
मानना है कि ये जो गृह मंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री शायद हमारे वोट के बदौलत बने हैं। इस डेमोक्रेसी में हमारे वोट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और गृह मंत्री को ये याद रखना चाहिए ये एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में कोई भी बड़ा नहीं होता, ये हमारा संविधान कहता है और हमें संविधान पर विश्वास है और गृह मंत्री के कहने से कुछ नहीं होता। मैं तो कहता हूँ कि गृह मंत्री साहब जो हैं वो खुद ही तड़ी पार थे और वो तड़ी पार आदमी हमें ये बताएंगे कि संविधान किस तरीके से चलाया जाए, तो इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करने वाले नहीं। दिल्ली पुलिस के रवैये पर, दिल्ली पुलिस जो है छात्रों से जो है बर्बरतापूर्वक जो है पेश आ रही है, महिलाओं पर लाठियां भांज रही है, आपने जेएनयू में देखा होगा कि उल्टा जो विक्टिम थे उन्हीं को जो है पुलिस ने जो है अपराधी घोषित कर दिया है। देखिए पुलिस भी बेचारी क्या करे, वो भी बेचारी मजबूर है, उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सेंट्रल का जैसा आदेश होता है वो लोग काम करते हैं, अगर उन आदेश होगा उनके सीनियर का वो लाठी चार्ज कर देंगे, तो उसमें हम उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। सवाल ये है कि जिस भी तरीके से पुलिस को ऑर्डर मिलता है वो ऑर्डर का फॉलो करते हैं क्योंकि उनकी जॉब है, उनकी नौकरी है और उनको उनको भी परिवार पालना है। ठीक है सर, एक सवाल, अच्छा 26 जनवरी की जो रिपब्लिक डे आ रहा है उस पर क्या प्रोटेस्ट करने की कोई तैयारी है? देखिए प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, अभी देख रहे हैं कि शाहीनबाग में पिछले एक महीना हो गया है और वहाँ प्रोटेस्ट किस तरीके से चल रहा है, लोग बैठे हुए हैं, छोटी छोटी बच्चियों को लेकर महिलाएं बैठी हुई हैं, विरोध जाहिर कर रही हैं कि लोकतंत्र में इस तरीके से जो किया जा रहा है, लोकतंत्र पर हत्या की जा रही है, उसको बंद करने के लिए वो लोग बैठे हैं और हम लोग प्रोटेस्ट करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्ट जो है सरकार और पुलिस के साथ साथ कोर्ट की नजरों में भी चुभ रहा है, मैं कोर्ट को सीधा कहूँगा। नहीं वो ठीक है आप बोल रहे हैं तो चुभ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल चुभ रहा है, लेकिन इस चीज़ को हम किसी के चुभने से हम अपना प्रोटेस्ट, हमारा अपना विरोध खासतौर पर जो संविधानिक तरीके से, हम करना नहीं छोड़ेंगे। मेरा एक लास्ट सवाल है, आज तमाम चीज़ें हैं जो काफ़ी दिनों से हो रहा है, ऐसे में वकीलों का जो एक बड़ा समुदाय है कहीं नजर नहीं है। अब बीजेपी का कहना है कि जब ये काफ़ी तूल पकड़ चुका है तब ये जो वकील जो बहुत वकीलों का जो समुदाय है वो सड़कों पर नेता बनने की होड़ में लगा है, ये कहाँ तक सत्य है? ये देखिए बिल्कुल गलत है। देखिए अब अगर आप, मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तो आप किसी भी तरीके से डाइवर्ट कर दीजिए, किसी भी तरीके से डाइल्यूट कर दीजिए, लेकिन सही बात यह है कि हमें अपने संविधान से प्यार है और संविधान से प्यार है तो हम चाहते हैं कि संविधान के हिसाब से इस देश को चलाया जाए, ना कि किसी धर्म की किताब से या मनु के कानून से चलाया जाए। जेएनयू से जब फीस में बढ़ोतरी हुई थी तब भी आप लोग नजर नहीं आए थे? नहीं बिल्कुल आए थे हम लोग जेएनयू के प्रोटेस्ट में, और कुछ भी जो इस देश में डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा है, हम लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी हमेशा प्रोटेस्ट करती आई है, हमेशा प्रोग्राम करती आई है और हमारा पर्पस ये रहता है कि हम एक संविधान के तहत हम काम करें।